हाय फ्रेंड्स, रेशमा के घर संसार में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं जाने वाली हूँ नेहरू प्लेस। कुछ इंस्ट्रूमेंट ख़रीदनी है जो यूट्यूब बनाने में मुझे सहूलियत होगी, तो मैंने आज प्लान बनाया कि आज मुझे नेहरू प्लेस जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी, तो टाइम कम है और मुझे बहुत सारे काम हैं नेहरू प्लेस से आने के बाद। तो मैं बताऊंगी कि मुझे और क्या क्या काम था। फ़िलहाल तो अभी हम चलते हैं क्योंकि बाहर में थोड़ी धूप भी है हल्की सी। मैं 11-12 बजे के अराउंड निकल रही हूँ और ये प्लान है कि मैं 2-3 बजे तक आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लेना था एक ट्राईपॉड, और ट्राईपॉड के साथ जो जो भी इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत होती है, सपोज़ सेल्फ़ी स्टिक मुझे लेनी है, और एक रिंग लेनी है लाइट रिंग गोल वाली, और एक मुझे लेनी है वायरलेस का माइक्रोफोन। तो मैं अब अपने घर को कर रही हूँ लॉक, और उसी टाइम एक सफाई करने वाला भी आ गया। तो मैं उसे बता रही हूँ कि भैया थोड़ा सही से सफाई कर लेना क्योंकि दरवाज़ा गंदे हैं पेंट हुआ है तो गंदे थे। और ये बैठ गई मैं टुक टुक पे। एक्चुअली टुक टुक कहते हैं मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को, और बिहार में हवा हवाई कहते हैं, और दिल्ली में इसे ई रिक्शा कहते हैं। तो ये जिसका ये पहले रिक्शा आता था 3 पहिए वाली, तो उसका सब्स्टिट्यूट है ये। तो काफ़ी अच्छा है ये, सब जगह आजकल ये काफ़ी स्प्रेड हो चुका है। तो मैं जाऊंगी मेट्रो से नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस शॉप काफ़ी ज़्यादा, आई मीन मार्केट काफ़ी ज़्यादा फेम है इंडिया के अंदर में। ये है ओखला विहार स्टेशन। अब मैं जाऊंगी ऊपर और अपने कैमरा को करूंगी बंद। अंदर नीचे नहीं लेने देते हैं वीडियो, आई मीन जहाँ पे स्कैनिंग वगैरह सामान की होती है, बैग्स की। तो क्योंकि और सारे स्टाफ वर्किंग होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। अब ये मैं पहुँच गए ऊपर मेट्रो के स्टेशन के ऊपर, नीचे की वीडियो नहीं ली। अब ये आ गई है मेट्रो हमारी नेहरू प्लेस जाने के लिए। एक्चुअली नेहरू प्लेस नेहरू इनक्लेव में होता है, तो हमें नेहरू इनक्लेव में उतरना होगा। नेहरू इनक्लेव में उतरकर हमें 2 नंबर, ये देखिए ये हमारा वो लोकेशन है जब हम चलते हैं वहाँ से ओखला विहार से, तो ये जामिया और बटला हाउस का लोकेशन आपको मिलेगा। और ये मैं पहुँच गई फाइनली नेहरू प्लेस में। मैं जो ये बाहर का है मेट्रो के जस्ट बाहर, मैं पूछ रही हूँ ट्राईपॉड वो सेल्फी स्टैंड नेहरू प्लेस में तो मिलता वाले भैया से मैंने पूछा कि किधर से जाना है, तो उनको बस ऐसे ही बता दिया इधर सीधे चल जाओ। तो हम सीधे जा रहे हैं, 2 नंबर प्लेटफॉर्म से उतरे हैं वहाँ पे मेट्रो के बाहर। तो ये सीधे एक मार्केट दिख रही है, मार्केट के बाहर एक ऐसा लैंड सा है जहाँ पार्किंग वगैरह दिख रही है। तो शायद आई थिंक जो बड़ा सा गेट दिख रहा है रिपेयरिंग के बगल में, तो उसके अंदर ही काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो यहाँ से मार्केट इस स्टेशन से यहाँ से मार्केट शुरू होती है। और ये मैं पहले आ चुकी थी। ट्राईपॉड कहाँ मिलेगा? ट्राईपॉड सेल्फी स्टैंड, सेल्फी स्टैंड ट्राईपॉड वगैरह हम आगे से राइट लेंगे ना जी, वहीं देख लेंगे। थैंक यू। ट्राईपॉड करने का ये छोटा वाला 1500 रुपये का, 3000 बड़ा वाला। ये कैमरा वाले के लिए है ना? कैमरा लाइट कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें कैमरा भी आ जाएगा छोटा वाला? ये बड़ा छोटा में क्या फ़र्क है? मतलब बड़ा बड़ा छोटा है, लेकिन कौन सा लेना चाहिए, किस चीज़ का? शूटिंग के लिए लेना है मुझे। कैमरा कौन सा? अच्छा, कैमरा के अकॉर्डिंग ये साइज़।
कैमरा ली नहीं मैंने, इसलिए मैं ये तो बहुत छोटा हो गया, ये तो फिर ऐसे एक जगह रखने गए। ये कितने के? ये वही तो है जो डब्बा में है, डब्बा में है वही है। वो क्या है फिर ये? हाँ ये तो उसका बाइक का स्टोर है। अच्छा, यहाँ से भी मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। अब आगे चलते हैं, क्या मिलता है मुझे। ये देखिए हम एक मैदान में, अच्छा एक और शोरूम भी मिल रही है। मैं साथ साथ में वीडियो भी ले रही हूँ गाइज़ की, शायद आप लोग नेहरू प्लेस नहीं आए हैं तो देख लें कौन कौन सा शोरूम है। ऑक्सनबर्ग है एंड पीटरलैंड है समथिंग, तो ये है आई थिंक बरांडा कहते हैं या कॉरिडोर ऐसे मार्केट का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान सारे मिल जाएंगे आपको, काफ़ी बड़ी मार्केट है नेहरू प्लेस की। मैं तो कभी शॉपिंग नहीं की थी, बहुत पहले आई थी, जैसे मैंने बोला आपको इंटरव्यू के लिए आई थी, काउंसलर की इंटरव्यू थी। तो वो माइक्रोफोन चाहिए यूट्यूब शूटिंग के लिए, वायरलेस कौन कौन सा माइक्रोफोन है? वायरलेस यहाँ मुझे एक ट्राईपॉड दिखा, मतलब एक नहीं कई ट्राईपॉड हैं, कलेक्शन है इनके पास। तो चलते हैं यहाँ, पूछते हैं कि ट्राईपॉड का क्या हिसाब किताब है इनके पास, डिटेल लेते हैं। ट्राईपॉड भी है, साइज क्या चाहिए? इस तरफ वाला चल नहीं रहा, मुझसे पूछो। उन्होंने मुझे कई ट्राईपॉड दिखाए जिसमें से मैंने एक सेलेक्ट कर ली है। तो एक्चुअली मुझे सेल्फी स्टिक ही लेनी थी, बट मुझे पसंद आ गया ट्राईपॉड भी, तो ठीक है रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल गया। और फिर यहाँ पे हो रही है नेगोशिएट। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ, ये तो मैंने ले ली, अब लेते हैं माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन। यहाँ पे मुझे इन्होंने वायरलेस माइक्रोफोन दिखाया और मॉडल था K8 and K9, मैंने नहीं दिया इसे K8। यहाँ पे एक छोटा बच्चा आया था दिवाली के मौके पे, जो उसकी माँ भी ढोलक बजा दी थी, तो ऐसे पैसे ही मांगते हैं, तो पूछी थी क्या करोगे। अब ये हमारा नेक्स्ट शॉप आ गया, यहाँ से कुछ परचेज करती हूँ मैं। खोल के दिखा दूँगी, ऑन करना उसको। से मैंने सेल्फी स्टिक एंड रिंग लाइट दोनों ही ले ली है और ऑलमोस्ट मेरी परचेजिंग हो गई है डन। ये अनबॉक्सिंग नेक्स्ट ब्लॉक्स में हो। अभी आ गई हूँ मैं वापस घर और थोड़े करूँगी आराम और कल मैं आपको बताऊँगी, जितनी चीज़ें मैंने परचेज़ की है वो सब कल अनबॉक्सिंग में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी। थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, अल्लाह हाफिज़।